चाहे वो इंसान हो या निफ्टी, जाना तो दोनों को ऊपर ही है। टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है और तुम आपके पापा के पास जाते हो, आपके पापा से 100 रुपए मांगते हो, तो आपके पास कितने पैसे हो गए? तो स्टूडेंट बोलता है कि मेरे पास 100 रुपए ही हो गए। तो टीचर बोलता है कि तुम्हें मैथ्स बिल्कुल पता नहीं है। तो स्टूडेंट बोलता है, मैडम आपको मेरे पापा पता नहीं है। पर आप मतलब हैरान हो गए, 108 यूनिकॉर्न में से सिर्फ 17 यूनिकॉर्न्स प्रॉफिटेबल है आज इंडिया में। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, ऑनर टू बी अमंग सच एन एस्टीम्ड पैनलिस्ट, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस ऑफ द डायस। आयरनी की बात तो ये है कि मैं एक 25 ईयर ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने वेल्थ तो इतनी बनाई नहीं है लाइफ में, बट मैं वेल्थ के बारे में बात करने वाला हूँ, तो मैं तो आप सभी से सीखने वाला हूँ टुवर्ड्स दी एंड। बट दैट इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन, ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक वेरी टेक्निकल टॉपिक्स ऑन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, अगर आपने ये शेयर में इतना पैसा डाला होता तो इतना बनाया होता, वो सब पे मैं बात नहीं करूँगा। आई एम गोइंग टू स्पीक मोर ऑन द लाइन्स ऑफ कि आज की यूथ वेल्थ के बारे में कैसे सोचती है, मेरे लिए वेल्थ का डेफिनेशन क्या होगा, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ माई स्पीच इज गोइंग टू बी मोर ऑन द लर्निंग्स दैट आई हैव हैड फ्रॉम ऑल द पॉडकास्ट दैट आई हैव डन विद ऑल द इंडस्ट्री स्टॉलवर्ट्स, एंड उनके हिसाब से लाइक वेल्थ क्या होती है एंड कैसे वेल्थ बनाई जाती है, मैं वो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले वेल्थ मेरे लिए क्या होती है, लाइक वेल्थ फॉर मी अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी वेल्थ विच इज़ देयर, द फर्स्ट मेजर वेल्थ डेफिनेशन वुड बी फ्रीडम, हैविंग दैट ओनिंग ऑफ टाइम इटसेल्फ कि मुझे जो करना है वो करते आना चाहिए, एंड सेकेंड बिगेस्ट डेफिनेशन ऑफ वेल्थ वुड बी प्रेजेंटिंग अ स्माइल और हैप्पीनेस ऑन माई पेरेंट्स फेस, ऑल्दो दिस वुड साउंड लिटिल इमोशनल और जस्ट साउंड समथिंग ऑन द फिलोसॉफिकल साइड, बट मैं आप सभी के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं सीए बना था जब मैं 20 साल का था 2019 में, एंड मेरे डैड को सीए करना था, एंड माय डैड वाज डूइंग सीए 1991। उन्होंने सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था। बाय द वे इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू शेयर इट दैट माय डैड वाज आल्सो स्टूडेंट ऑफ जेके शाह सर इन 1991, एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स इन द ग्रांड रोड बैच विच वॉज देयर। एंड मेरे डैड सीए अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए, बट उनका हमेशा सपना था कि अगर उनका बेटा सीए बन गया तो उनका सीए बनने का सपना पूरा हो जाएगा। जो 5 ईयर्स का मेरा स्ट्रगल था 2015 टू 2020, 16 जनवरी 2020 को जब रिजल्ट आया, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज, एंड ही मेंशनड एंड ही कॉल्ड मी स्टेटिंग दैट आर यू कुशल लोढ़ा, आई वाज लाइक यस सर आई एम कुशल, हु इज दिस, एंड उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशंस आपको ऑल इंडिया रैंक 5 आया है आपके सीए फाइनल्स एग्जामिनेशन में। I was just astonished at that point in time, and मैं सोचा था कि मैं मॉम डैड को कैसे बताऊँ, because I was just not able to sink in that feeling, and मैं डैड को बताया कि पापा आज से मतलब अभी कुशल लोढ़ा नहीं है, अभी सीए कुशल लोढ़ा है, मेरा सपना तो पूरा हो गया बट आप भी सीए बन गए हो मेरे साथ साथ, and that was the real wealth, I saw my dad into tears for the first time in my life, and that was the real wealth for me. तो जब मैं ये स्टोरी कहना चाहता हूँ, द ओनली रीजन ऑफ शेयरिंग दिस स्टोरी इज दैट जो पेरेंट्स के लाइक फेसेस पे हैप्पीनेस देना, उनको प्राउड फील करवाना, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज एन इनटेंजिबल वेल्थ विच इज नॉट इन मॉनेटरी फॉर्म। मैं ये मतलब एक्सप्रेस नहीं करते जाऊँगा बिकॉज दिस कैन ओनली बी फेल्ट। और सेम मेरे सिस्टर के लिए भी, जब उनकी वेडिंग हो रही थी नवंबर, लाइक मेरी एग्जाम नवंबर 2019 में थी एंड जुलाई 2019 में मेरे रियल सिस्टर की वेडिंग थी, तो बहुत डिफिकल्ट होता था पढ़ाई मैनेज करना, एंड बहुत सारे रिलेटिव्स हमेशा बोलते थे कि सिस्टर की वेडिंग तो लाइक लाइफ में एक ही बार आने वाली है, राइट, तो तू पढ़ाई इतनी क्यों कर रहा है, एंजॉय कर वेडिंग में, थोड़ा एकदम ऐसे ध्यान दे, काम कर और एकदम एंजॉय कर, बिकॉज ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। मैं सब रिलेटिव्स को यही बोलता था कि मेरी सीए फाइनल की एग्जाम भी मुझे वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट ही चाहिए, मुझे वो बार बार नहीं देनी है, तो इसलिए मुझे इसके साथ साथ उसको भी मैनेज करने दो। एंड माई सिस्टर वॉज मोर प्राउड देन मी ऑन माई रिजल्ट डे, एंड दैट वॉज अगेन लाइक अ रियल वेल्थ फॉर मी, बिकॉज द एंटायर फैमिली वॉज सो हैप्पी दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एंड इट कैन ओनली बी फेल्ट। तो जो पेरेंट्स और फैमिली के साथ जो टाइम मिलता है और उनके चेहरे पर जो खुशी मिलती है, आई थिंक दैट इज द रियल वेल्थ फॉर मी, एंड दैट इज लाइक मोर ऑन द इमोशनल साइड, बट दैट इज समथिंग विच रियली हेल्प मी टू ग्रो इन माई करियर एज वेल। The second part of my speech which I just wanted to mention, right, abhi wealth ke hisab se like the lessons which I have learned from all of my mentors as well, the first one is having a profitability mindset. Aajkal bahut sare startup founders jo paisa banate hain, bahut sare companies fundraise karte hain, aajkal hamesha news mein hum padhte hain ki ye startup ne itna paisa uthaya, ye startup ne itni funding li, valuations ko log chase kar rahe hain ki mujhe $1 billion company banani hai, mujhe 8000 crore rupaye ki company banani hai, बट 108 यूनिकॉर्न्स है आज इंडिया में। यूनिकॉर्न्स मतलब कंपनी जिसकी वैल्यूएशन होती है मोर देन $1 billion, मतलब 8000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वैल्यूएशन। बट आप मतलब हैरान होगे, 108 यूनिकॉर्न में से सिर्फ 17 यूनिकॉर्न्स प्रॉफिटेबल है आज इंडिया में, एंड प्रॉफिटेबिलिटी माइंडसेट जो होता है वो बहुत कम लोगों का होता है, एंड मेरे हिसाब से हैविंग दैट प्रॉफिटेबल माइंडसेट विल लीड यू टू सस्टेनेबिलिटी, मतलब आप
को जल्दी पैसा कमाना है या ज़्यादा पैसा कमाना है वो थोड़ा डिसाइड करना होगा. अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी माइंडसेट बहुत ज़रूरी है. एंड अगेन मैं एक एग्जांपल और स्टोरी शेयर करता हूँ. बाय द वे आई एम अ बिग फैन ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो मैं बहुत सारी स्टोरी शेयर करते जाऊँगा. मैं जब हॉस्टल में आया था सीए के लिए 2017 में मुंबई में, तब मैं एक आरबीजी एजुकेशनल फाउंडेशन में रहता था जो अंधेरी में हॉस्टल था. तभी मेरा माइंडसेट ऐसा था, मुझे 3,000 रुपये पर मंथ की स्टाइपेंड मिलती थी आर्टिकलशिप से, 2,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती थी ICI से, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड 1,000 रुपीज़ पर मंथ अगेन स्कॉलरशिप मिलती थी फ्रॉम माय हॉस्टल, बिकॉज मेरा इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 5 था. तो उसके बाद हुआ क्या कि मेरा 6,000 पर मंथ का इनकम था 2017 में एज एन आर्टिकल ट्रेनी. उतना ही कमाते यूजुअली आर्टिकलशिप में लोग. तो वहाँ पे मैंने ऐसे सोचा था कि हॉस्टल में मेरे जितने भी खर्चे थे, हॉस्टल वॉज एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट इन अंधेरी, 26,000 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स. मेरा लॉन्ड्री, मेस और ये सारे बिल्स मिला के 5,000 पर मंथ का खर्चा आता था. एट दैट पॉइंट आई यूज टू हैव कि ओके 1,000 रुपीज़ पर मंथ मुझे फिर भी बचाने एंड सेव करने एंड देखते इसका क्या करना है. सो द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस इज अगेन कि 2017 से भले ही मैं 6,000 पर मंथ रुपीज़ कमाता था, तभी से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी माइंडसेट था कि मेरे को 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च करने, और मुंबई जैसे शहर में अंधेरी में रहना एट 5,000 पर मंथ इज लाइक अ वेरी बिग डील ऑनेस्टली. तो मैं जब इंश्योर करता था कि ओके प्रॉफिटेबिलिटी इज समथिंग विच आई हैव टू इंश्योर, और इसकी वजह से आज भी मैं जो स्टार्टअप चला रहा हूँ या तो जो भी कंटेंट क्रिएशन जहाँ पर 8 लाख फॉलोअर्स हो गए अक्रॉस यूट्यूब इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, वो सब मैं इंश्योर करता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी इज समथिंग दैट शुड बी देयर. सो दैट इज वन थिंग विच आई हैव लर्न्ड कि प्रॉफिटेबिलिटी माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज पेशेंस. पेशेंस इज ऑल्सो समथिंग जो बहुत ही अंडररेटेड है, एंड इसमें मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. वेन जेफ बेजोस इज द फाउंडर ऑफ अमेजॉन, ही मेट वॉरेन बफेट. उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था वॉरेन बफेट को कि वॉरेन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल एंड स्ट्रैटेजी इज सो सिंपल, Why don't everyone just copy you and become the next Warren Buffett? तो Warren Buffett ने एक सिंपल सा रिप्लाई दिया कि my investing style is very simple, but nobody wants to become rich slowly. मतलब सबको पैसा जल्दी कमाना है, सबको रिच बहुत जल्दी बनना है, एंड इसीलिए वो लोग एकदम मिस्टेक्स कर लेते हैं एंड फिर वो पैसा नहीं बना पाते. इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी एंड इवन लाइक वन ऑफ द मेजर फिलोसफर्स इज 99% temperament and 1% intelligence. अगेन लाइक नो ऑफेंस टू एनी स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर हियर, बट माई पॉइंट इज कि टेम्परामेंट जो है, आपके इमोशंस, आपका टेम्पर वाइल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, दैट मैटर्स मोर, एंड आपका पेशेंस मैटर्स मोर एज कम्पेयर टू योर इंटेलिजेंस विच इज देयर. तो इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ वॉरेन बफेट ऑल्सो, 90% ऑफ द वेल्थ ऑफ वॉरेन बफेट वॉज क्रिएटेड आफ्टर द एज ऑफ 63, एंड लाइक हिज नेटवर्थ एट एज 50 वॉज $300 million. At age 90, it is $100 billion. मतलब आप देखोगे नेटवर्थ लाइक $300 million मिलियन है, वो M का मिलियन, एंड देन $100 billion बाय 90. दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अगर पेशेंस होगा लाइफ में तो आई थिंक मनी विल कम टू यू. एंड मैंने एक फिलोसोफर का एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा था, अगर आप कोई भी चीज़ 5 साल के लिए फ्री में करने के लिए तैयार हो, अगर आपको मजा आ रहा है वो चीज़ करने में, तो आपको 6th year onwards बहुत पैसा मिलने लग जाएगा. बट आपको इतना जुनून और इतना पैशन होना चाहिए दैट यू शुडन्ट बी फोकस्ड ऑन अर्निंग मनी इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर करियर, बट यू विल अल्टीमेटली अर्न मनी इन योर 6th or 7th year onwards वंस यू लव योर वर्क एंड वंस यू रियली एडमायर वॉट यू आर डूइंग इन लाइफ. सो दैट इज समथिंग विच पेशेंस हैज टॉट मी, एंड पेशेंस इज समथिंग विच इज वेरी अंडररेटेड. आजकल की दुनिया में क्या हो गया कि मतलब मेरे जैसे लोग भी, आई एम नॉट अगेन टारगेटिंग एनी यूथ हियर, बट आजकल क्या हो गया कि सब कुछ जल्दी चाहिए, मतलब सक्सेस जल्दी चाहिए. आजकल जेप्टो पे ऑर्डर कर लिया, 10 मिनट में ग्रोसरीज आ जाती है. जोमेटो पे ऑर्डर कर लिया, आप 30 मिनट्स के अंडर लाइक फूड आ जाता है. अमेजॉन में भी अभी प्राइम आ गया है जहाँ पर आपको 1 डे डिलीवरी मिल जाती है. लाइक एवरीथिंग इज बिकम सो फास्ट दैट पीपल वॉन्ट अर्ली सक्सेस इन देयर लाइफ्स. बट आई थिंक पेशेंट होना एंड हैविंग दैट पेशेंस इज अ वर्च्यू विच नीड्स टू बी एडमायर्ड बाय ऑल ऑफ अस. एंड लास्टली आई जस्ट वॉन्टेड टू जस्ट मेंशन मोर ऑन द माइंडसेट ऑफ not reducing your expenses but increasing your income. This is something which I have learned from J.K. Shah sir as well. I've had the absolute honor of like going at GIR to speak to his students, and couple of days I spent with him. And इसमें मुझे ये सीखने मिला है कि हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं कि खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं या तो ये खर्चा कैसे अवॉइड कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ माई फाइट्स विथ माई पेरेंट्स ऑल्सो हैपन ऑन दिस थिंग ओनली कि मैं ट्राई करता हूँ कि इनकम को कैसे 10x करना, बट ऐसे कभी कभी लगता है कि ओके खर्चे को कैसे रिड्यूस करते, उस पर फोकस अगर गया तो इतना दैट इज नॉट समथिंग विच इज क्रूशियल. तो मैं एक जोक मतलब एक मैं पढ़ रहा था, तो एक टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपये है और तुम आपके पापा के पास जाते हो और आपके पापा से 100 रुपये मांगते हो, तो आपके पास कितने पैसे हो गए? तो स्टूडेंट बोलता है कि मेरे पास 100 रुपये ही हो गए. तो टीचर बोलता है कि तुम्हें मैथ्स बिल्कुल पता नहीं है. तो स्टूडेंट बोलता है, मैडम आपको मेरे पापा पता नहीं है. तो बेसिकली द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस इज दैट कि अगेन लाइक हैविंग दैट माइंडसेट ऑफ नॉट रिड्यूसिंग योर एक्सपेंसेस बट जस्ट फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग इनकम,
that is something which needs to be there. And for that, I think investing wisely, doing, let's say, something like a SIP, which is systematic investment plan, every month, jo bhi salary, jo bhi income hai, 10%, 20% agar invest bhi ho raha hai mutual funds mein wagera, that is something which we need to plan. I had the absolute honor to host Mr. Nilesh Shah on my podcast, and he is the MD of Kotak Mutual Fund, and he manages ₹3,85,000 crores. And I asked him one piece of advice for a 21-year-old who needs to start investing, and this is a brilliant piece of advice which he has given. Aajkal hota hai, we have this formula, income minus expenses is equal to savings. Now this is a formula which is absolutely wrong. He mentioned ki tumhara formula kya hona chahiye, income minus savings is equal to expenses. Matlab aap aapke income pehle determine kar lo, phir savings ko determine kar lo, aur jitna bachega utna aapka kharcha hona chahiye. प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक्सपेंसेस को LHS लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं और जो बचता ही नहीं है, फिर सेविंग्स होती ही नहीं है. तो सेविंग्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ ताकि जो आपके पास बचेगा उसमें से आपके खर्चे करो. एंड दैट इज समथिंग विच इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ एडवाइस विच ही गिव, एंड दिस इज समथिंग विच आई थॉट आई शेयर इट विद ऑल ऑफ यू एज वेल. एंड SIP के बारे में जब बात किया तो आई थिंक इवन लाइक इन्वेस्टिंग इन नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स या तो इवन निफ्टी वगैरह में भी इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड्स में, दैट इज ऑल्सो लाइक अ सेफ इन्वेस्टमेंट. लाइक अनिल सिंघवी सर का एक कोट है जो बहुत पॉपुलर है, चाहे वो इंसान हो या निफ्टी, जाना तो दोनों को ऊपर ही है. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी लॉजिकल. लाइक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इसमें हमेशा इन्होंने लाइक रिटर्न्स पॉजिटिव ही दिए, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स एक्सेट्रा. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज देयर. तो SIP जो है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आई थिंक दैट इज वेरी अंडर रेटेड. आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू वन पर्सन नेम्ड मिस्टर गजेंद्र कोठारी, ही इज द फाउंडर ऑफ एटिका वेल्थ मैनेजमेंट. एंड उसमें पॉडकास्ट में मैंने उनको पूछा था कि SIP आपने कितने से शुरू की थी. यू विल बी सरप्राइज टू नो बाय द वे, 2010 में उन्होंने SIP शुरू की थी ऑफ ₹10,000 पर मंथ. आज की डेट पे ही इज डूइंग एन SIP ऑफ ₹30 lakhs पर मंथ, एंड ही वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट टू मैंशन दिस ऑन माई पॉडकास्ट इन अ पब्लिक फोरम एज वेल, बिकॉज ही हैज नथिंग टू लूज. ही हैज अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑफ ₹43 crores, एंड 30 lakhs पर मंथ की SIP आज करते हैं, एंड हिज टारगेट इज बाय द नेक्स्ट 6 ईयर्स ही वॉन्ट्स टू टेक दिस पोर्टफोलियो टू ₹100 crores. SIP इज अ वेरी अंडर रेटेड टूल. इसको डिले मत करो, इसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो. प्रोक्रेस्टिनेशन, लाइक जस्ट टू पुट इट ऑन अ लाइटर नोट, प्रोक्रेस्टिनेशन इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड. It's a lot of fun until you get the bill. So basically, delay mat karo, procrastinate mat karo, aaj se hi shuru karo. That is something which is going to help all of you. Just to conclude, first 25 years of your life are for learning. Next 25 years of your life are for earning. And the last 25 years of your life are for returning. So basically, aap pehle learn karo, phir earn karo, and then return karo. All these three things which I mentioned are a form of wealth, be it learning, be it earning, and be it returning. Learning is basically your educational wealth, knowledge wealth. Earning is basically your money wealth, which is your net worth and all. And returning is your philanthropic wealth. आपको हमेशा याद रखना कि जितना ज़्यादा आप दोगे उतना ही आपको आएगा. सीक्रेट बुक में एक बहुत सही से लिखा था, आपका अगर एक्सपेंस जितना भी है उसके आगे एक जीरो लगा लो, उतनी आपकी इनकम होनी चाहिए. ये आपका टारगेट होना चाहिए हमेशा जब आप कोई भी खर्चा करते हो तो. सो दैट इज समथिंग विच इज देयर. एंड वंस यू हैव दिस पर्टिकुलर एटीट्यूड, देन नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग वेल्दी. एंड जस्ट हैव दैट लर्निंग एटीट्यूड. आई थिंक वंस अ पर्सन लर्निंग एटीट्यूड एंड्स, देयर ओल्ड एज स्टार्ट्स टू बिगिन. जब तक आपके पास लर्निंग एटीट्यूड है तब तक आपका बुढ़ापा शुरू नहीं होने वाला है. एंड दैट इज समथिंग विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. सो दैट्स अबाउट बीइंग वेल्दी. एंड एवरीवेयर लाइक इट्स ऑल अबाउट, देयर इज अ बज़वर्ड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. शार्क टैंक की वजह से बहुत एंटरप्रेन्योरशिप हो गया है. सब लोग, मतलब इवन वेजिटेबल वेंडर्स, डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशन, लंच टेबल कॉन्वर्जेशन पे वैल्यूएशन की बातें होती है. आई जस्ट कंक्लूड विद अगेन लाइक लाइटर जोक इटसेल्फ. वन लेडी गोज टू अ वेजिटेबल वेंडर एंड शी आस्क्स कि भैया आपने भिंडी कितने की दी. तो वो वेजिटेबल वेंडर बोलता है, मैडम 150 रुपये किलो. तो दैट लेडी वॉज सरप्राइज एंड शी वॉज लाइक कि नहीं भैया मैं तो 70 रुपये ही दूंगी. सो दैट वेंडर स्मार्टली रिस्पॉन्ड्स एंड द वेंडर सेज दैट, मैडम मेरी पिछले साल की ये पूरे ठेले की सेल्स थी ₹15,000. ये साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ₹35,000 की पूरे ठेले की सेल्स होगी. अगर मैं रेवेन्यू पे 2x का भी मल्टीपल लगाऊँ तो मेरे ठेले की वैल्यूएशन हो गई ₹70,000. तो 70 रुपये में तो आपको पूरा ठेला क्या, मेरे ठेले की 1% इक्विटी भी नहीं मिलेगी, तो आई एम आउट. एंड that is something which he told to the lady. And these are the kind of conversations which are happening in our society. So we should be prepared that when our kids talk about money, talk about stocks, talk about valuations, we should be proud of them and we should tell them that, okay, you should understand money and you should understand stocks. That's when you're going to become successful. So thank you so much, ladies and gentlemen, for patiently listening. It was an absolute honor to talk to all of you. And that's it from my side.